आप यहाँ बैठी खुद को चमकाती रहिएगा, दूसरे लोग चाहे मुझे कुछ भी सुनाते रहें। क्या हो गया, किसने क्या कह दिया तुम्हें? वो है ना आपके भाई की बहू, उसने। कौन? अलिस्मा? कस भर की जुबान है उस लड़की की। मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं यासिर से शादी करना चाहती थी और उन लोगों ने मुझे पूछा तक नहीं। क्या? ऐसा कहा उसने? नहीं, झूठ बोल रही हूँ मैं। देखती हूँ उसे। तू चल मेरे साथ, चारों तरफ ना उसके रोशन की गली, फिर कहना। दो घंटे हो गए तुम्हारी बीवी से, दो लोगों का नाश्ता नहीं तैयार हुआ अभी तक। भाईजान, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसके लिए चाहे आप ये घर बेचें या जैसे भी करें, ताकि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊँ। कोई छोटा मोटा फ्लैट तो मिल ही जाएगा ना हमें। अब क्या हो गया सुबह सुबह? जी, अपनी बहू को बुलाकर पूछें। अब क्या कर दिया रिश्मा ने? तुम्हारी बीवी ने कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, इसीलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। ऐसा कहा उसने तुमसे? मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं। बुलाओ भी अलिश्मा को, पूछो उससे क्या कह दिया उसने। अलिश्मा, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग यार। शाना, आप तो पता चल जाए। जी, क्या हुआ? अलिश्मा, तुमने सानिया से ये कहा है कि ये यासिर से शादी करना चाहती थी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों झूठ बोल रही हो? क्या तुमने अभी मुझे नहीं कहा कि इस घर में मुझे रहते हुए किसी ने पूछा तक नहीं? वो तो मेरे कहने का मतलब। चुप करो तुम। माफी मांगो मेरी बेटी से इस बेहुदा बात पर। क्या लगता है आपको, इस घर में आप सब लोगों से माफिया मांगने आई हूं मैं? ऐसे काम करोगी तो माफिया तो मांगनी पड़ेंगी ना। लक्ष्मा, प्लीज खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आप देख नहीं रहे, आपके सारे घर वाले ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए और आप यहाँ बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तुम्हारी बीवी को ना किसी से बात करने का सलीका है ना तमीज। कल इतना समझाने के बावजूद आज अकेली तुम्हारी माँ किचन में काम करती रही, और ये तुम्हारा टाइम है सोकर उठने का इस वक्त? देखो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये हरकतें इस घर में आइंदा नहीं चलेंगी। हाँ तो ठीक है, अगर आप लोग मुझसे इतने नाखुश हैं ना, तो चली जाती हूँ मैं इस घर से। मुझे भी कोई शौक नहीं आप लोगों के साथ रहने का। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, जिंदगी अजाब होगी और कुछ मिला नहीं है मुझे। जिंदगी तो अजाब हमारी हो गई। देखा है आपने किस तरह से बोलती है? मेरा बदनसीब बच्चा, उसके किस्मत पे इतनी फूल और बदतमीज लड़की लिखी थी।